Hello friends, hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. अभी मैं हूँ कसोल में और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है पार्वती रिवर. आज डेट है 17 दिसंबर सैटरडे. वैसे अभी सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ का तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस. और आज मैं विजिट करने वाला हूँ कसोल के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस. शाम के 5 बजे तक जितने प्लेसेस हम कवर कर पाएंगे मैं ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम टूरिस्ट प्लेसेस को मैं कवर कर पाऊँ. तो चलिए साथ में मिलके कसोल के कुछ खूबसूरत प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पे जो ATS कैफ़े है वहाँ के आपने रील्स काफ़ी देखे होंगे. वहाँ रिवर के बिल्कुल पास में बैठे हुए आप फूड एंजॉय कर सकते हो. लेकिन अभी हम यहाँ से जो चलल विलेज है जिसे चलाल विलेज भी कहते हैं वहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे. देखो वैसे ये एरिया है इसका नाम है काटंगला और यहाँ पे बहुत सारे कैफे से रेस्टोरेंट से होटल से और अगर आपको रहना हो तो होम स्टे की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो. मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ जो चलाल विलेज ट्रैक है वहाँ से और देखते हैं हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा. तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए. लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है वहाँ से हम आए हैं और राइट साइड वाला जो रास्ता है वहाँ से आप रसोल जा सकते हो. उस पहाड़ी के पीछे तक ट्रैक करना होता है. तो आधे घंटे से भी ज़्यादा इस ट्रैक पे चलने के बाद मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपको चलाल विलेज की लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करना हो वो विजिट करना हो तो आप ये ट्रैक ज़रूर कर सकते हो. वैसे मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन ऐसी थी कि ये ट्रैक ऐसा होगा कि जो पार्वती रिवर है उसके बिल्कुल पास पास में चलते हुए आप पार्वती रिवर के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर पाओगे. लेकिन ये रास्ता तो विलेज में से ही जा रहा है. तो यहाँ से दो रास्ते हैं एक मेरे पीछे और एक वहाँ से नीचे से. तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि ये रास्ता तो विलेज में से होते हुए ही कसोल जाएगा लेकिन इस रास्ते से हम पार्वती रिवर से होते हुए कसोल पहुँचेंगे. तो चलिए इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो चाय पीने के बाद वहाँ लोकल से मैंने थोड़ी देर बात की और उनके मुताबिक कसोल में इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि हम 2-3 दिन में तो क्या 2-3 वीक में भी कंप्लीट नहीं कर सकते. लेकिन फाइनली अभी हम ट्रैक करते हुए पार्वती नदी के किनारे तक आ पहुँचे. यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे, ड्रोन भी फ्लाई करेंगे और आपको कुछ खूबसूरत और बहुत ही प्यारे नज़ारे पार्वती रिवर के और आसपास जो वैली है उसके दिखाएंगे. तो चलिए देखते हैं ड्रोन व्यू इन 3-2-1 गो. देखो काफ़ी सारी जगह पे ये पत्थर है वो स्लिपरी है. तो आप जब भी फोटोग्राफी के लिए पत्थर पर चढ़े तो ज़रूर ख्याल रखिए अपना, वरना अगर स्लिप हो गए तो आपको चोट ज़रूर लग सकती है. यहाँ पार्वती नदी के किनारे एंजॉय कीजिए लेकिन दुर्घटना होने से बचते रहिए. तो फाइनली हम कसोल पहुंच चुके हैं. ये जो ब्रिज है उसे क्रॉस करते ही हम कसोल मार्केट में पहुंच जाएंगे और उसके पास में एक पार्क है जो हम विजिट करने वाले हैं. तो लेकिन उससे पहले मैं अपना एक ओपिनियन जो चलाल विलेज ट्रैक है उसके बारे में शेयर ज़रूर करना चाहूँगा. ये ट्रैक मुझे इतना खास और अट्रैक्टिव नहीं लगा. वैसे मुझे 3 घंटे लगे, आप 1 या 1.5 घंटे में कम्प्लीट कर सकते हो क्योंकि मुझे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और ड्रोन भी लेना होता है तो ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्टे ही ऐसी जगह पे करो जो रिवर के पास में हो तो आप वहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो और रिवर के पास में काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हो. तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कसोल मार्केट में.
तो अब हम आ पहुंचे कसोल नेचर पार्क, जहां की एंट्री टिकट पर पर्सन है 30 रुपीज। टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक और एवरीडे ओपन रहता है। वैसे नेचर पार्क है तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, गार्डन है, वॉशरूम है, बच्चों के खेलने के लिए कुछ इक्विपमेंट भी है और पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए आप टाइम स्पेंड कर सको, फोटोग्राफी कर सको, ऐसा अरेंजमेंट भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ के मौसम को एंजॉय करते हैं और बाद में देखते हैं कि हम हमारे कौन से नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कसोल नेचर पार्क मार्केट के इतने पास होने के बावजूद इतनी शांत जगह है कि आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे मैं आधे घंटे में ही ये विजिट करके निकलने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना था। अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे 2-3 घंटे बड़े आराम से स्पेंड कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो रिवर है वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे आप बैठे हुए 2-3 घंटे बिता सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर अगर आपके पास लंच हो तो वो भी कर सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊँगा तोस विलेज, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इंक्वायरी करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ही तोस विलेज जाऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दोपहर का समय हो चुका था, भूख भी लगी थी, तो यहाँ वहाँ लंच के लिए रेस्टोरेंट ढूंढते हुए मुझे मार्केट के पास में एक जगह पर काफ़ी क्राउड दिखा। वहाँ मैंने सबसे पहले चना टिक्की बर्गर ट्राई किया जो टेस्ट में अच्छा था। बाद में मैंने चना टिक्की बिल ट्राई किया जो टेस्ट में अच्छा नहीं था। बाद में मैं आगे बढ़ते हुए पहुंच गया बस स्टैंड, थोड़ी देर में बस भी मिल गई। वैसे बस में स्टार्टिंग में भीड़ होती है लेकिन मणिकरण आधी बस खाली भी हो जाती है। रास्ते में आ रहे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए मैं फाइनली पहुंच गया हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कसोल से मैं बस में बैठा था तोस जाने के लिए, लेकिन बस आती है सिर्फ बरसेनी तक और उसकी प्राइस 50 रुपये है। वैसे बरसेनी से तोस का डिस्टेंस करीबन 3.5 किलोमीटर जितना है और आप बाई वॉक भी जा सकते हो जिसमें 1 घंटे जितना टाइम लग सकता है। वैसे यहाँ शेयरिंग कैब भी चलती है लेकिन उसमें 300 रुपीज़ है जाने के लिए और 300 रुपीज़ वापस आने के लिए। लेकिन उसमें अगर आप सिंगल हो या मैक्सिमम 4 पीपल्स 300 रुपीज़ तो लगेगे ही, और जाने के 300, वापस आने के 300, तो 600 रुपीज़ तो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग एंड बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नाइट स्टे कर रहे हो तो आपको तोस जरूर जाना चाहिए। वैसे हम यहाँ बाय वॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हम ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो जाता है तोस विलेज और जो राइट वाला रास्ता है वो डैम के ऊपर से जाता है कलगा, तुलगा और पुलगा। अगर आपको तुलगा या पुलगा जाना हो तो इस रास्ते से जा सकते हो और कलगा जाने के लिए यहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। देखो वो जो सामने दिख रहा है वो है तोस विलेज। देखो वैसे मैंने कलगा के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी लेकिन रास्ते में मिले कुछ ट्रैकर्स जो वापस आ रहे थे कलगा में नाइट स्टे करने के बाद, उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर कुछ खास है नहीं, विलेज है और सिंपल नॉर्मल व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि ऊपर नहीं जाते, इससे अच्छा है कि हम यहीं कहीं एक्सप्लोर करते हुए वापस कसोल चले जाते और वहाँ पे 1-2 वाटरफॉल है वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ से अभी हम वापस जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस कसोल और वहाँ पे पहुँचने में मेरे हिसाब से अंधेरा हो ही जाएगा। तो एक जो वाटरफॉल के बारे में मैंने आपको बताया था वो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह कवर कर लूँगा क्योंकि मैं कल सुबह जा रहा हूँ कुल्लू, तो जाते हुए वो कवर कर लूँगा और वीडियो का एंड भी वही करूँगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते और बस थ्रू हम जाते कसोल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बजे है और टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड है, हाथ सुन्न हो गए। मैं अपने स्टे से रेडी होके निकल चुका हूँ और यहाँ पे रोड पे जो शनिदेव का टेम्पल है वहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी हम जाएंगे वाटरफॉल, देखेंगे कि वाटरफॉल कैसा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन कुल्लू के लिए जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की ओर।
गूगल मैप की मदद से मैं ट्रैकिंग कर रहा था और एक जगह पे आके रुक गया। गूगल मैप में वहीं तक का लोकेशन है, वहाँ पे एक प्लांट है, वो प्लांट के अंदर से आपको वाटरफॉल की ओर आना है। इस जंगल में मैंने करीबन 10 मिनट जितना ट्रैकिंग किया लेकिन वाटरफॉल आ ही नहीं रहा। यहाँ से आगे जाना मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पानी बह रहा है, तो आगे शायद वाटरफॉल होगा ही होगा, लेकिन किसी और दिन जब मैं आऊँगा यहाँ कसोल में तो मैं ट्राई करूँगा कि वाटरफॉल में जा पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी कम है। मुझे जाना है कुल्लू के लिए और बस जल्दी मिल जाए, उस होप से मैं जा रहा हूँ वापस। कसोल में मैं रुका था कटागला, जहाँ एक होटल है रिवर वुड्स, और ये है मेरा रूम। वैसे यहाँ होटल का पर डे चार्ज करीबन 1000 रुपये के आसपास होता है, और यहाँ से कुछ व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वैसे हम जो वाटरफॉल विजिट करने गए थे उसका नाम है बंजारा वाटरफॉल, कसोल वाटरफॉल भी है, और कसोल के आसपास में भी कुछ और भी वाटरफॉल्स हैं, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हम वो विजिट नहीं कर पाए। लेकिन मैं खुद से वादा करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी मैं यहाँ आऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली समर के टाइम पे, तब मैं ये वाटरफॉल विजिट जरूर करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ, अगर आप कसोल आ रहे हो तो मेक श्योर आप खीर गंगा ट्रैक जरूर करें। वहाँ पे खीर गंगा ट्रैक में आप वन नाइट स्टे कर सकते हो, तो उसमें वहाँ से खीर गंगा के लिए ट्रैक कर सकते हो और वापस कसोल आ सकते हो या फिर अपने सिटी की ओर जा सकते हो। अभी मैं आ पहुंचा हूँ यहाँ रोड पे, यहाँ पे मैं वेट करूँगा बस के लिए, मैं जाऊँगा कुल्लू, और कुल्लू में मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सेव नेचर सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।